Subscribe the Pharmacology Concepts by Rajesh Choudhary and press the bell icon for the upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Choudhary, and in this video I will discuss the basic MCQs of drug distribution, and I will also discuss the basic things related to the MCQs. So you can pause the video to read the question properly and try to solve the questions. So let's move on questions. So question first is the drugs are distributed between the central compartment and tissue compartment through which barrier? Option is the A, blood brain barrier, B, placental barrier, and C, capillary or endothelial barrier. Try to solve. So right answer is the C, capillary or endothelial barrier. सो बेसिकली वी कैन सी इन द इमेज, हम इमेज में दे सकते हैं कि आपको जो सेंट्रल कंपार्टमेंट मॉडल है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, बेसिकली ब्लड उसमें रहता है, और एक है आपका टिश्यू कंपार्टमेंट मॉडल. तो उसमें बेसिकली जो ट्रांसफ़र है आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स का वो कहीं ना कहीं कैपिलरी के थ्रू आपका जो एंडोथेलियल बैरियर है उसके थ्रू होता है. इसलिए हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द एंडोथेलियल बैरियर. सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स bidirectional between blood compartment and tissue compartment in the body via transportation across the capillary endothelial membrane. So right answer is the C. Now ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इस सारे जो MCQs हैं वो समझने में इजी होगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विच आर अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड लिंक. नाउ मूव ऑन. Next question. Question number 2 is the which is not affect the drug distribution process. Option A, protein binding, B, blood perfusion, C, both, and D, none. So right answer is the D. So basically इसमें से कोई भी जो है वो इसमें से सारे जो हैं वो अफेक्ट करता है. मींस जो प्रोटीन बाइंडिंग है और ब्लड परफ्यूजन है दोनों ही कहीं ना कहीं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. तो बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आर द डिफ्यूजन रेट ऑफ ए ड्रग और द एफिनिटी ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू कंपार्टमेंट और प्रोटीन कंपार्टमेंट, ऑल्सो ब्लड फ्लो मीन्स परफ्यूजन रेट एंड बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. What is wrong about plasma protein bounded drug? Option A, provide temporary storage, B, therapeutically inactive, C, unavailable for the elimination, and D, enhance the elimination rate. So answer is the D, enhance the elimination rate. So basically हम देख सकते हैं, सपोज ये आपका ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लड होते हैं और ये आपका ड्रग और प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है और फ्री ड्रग है. जो आपका प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, मान लो सपोज एग्जांपल की बात करें तो अगर किसी भी ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग वो 90% होगा, मींस उसमें से 100 mg ड्रग आपके ब्लड वेसल्स में है, मतलब ब्लड में है, तो उसमें से जो 90% ड्रग है वो आपके प्रोटीन से बाउंड होगा. मीन्स वो, इसलिए इसमें 9 मॉलिक्यूल जो हैं प्रोटीन से बाइंड हो चुके हैं और केवल एक मॉलिक्यूल मीन्स 10% ड्रग ही फ्री ड्रग है. तो बेसिकली फ्री ड्रग इज़ अवेलेबल फॉर द ड्रग एक्शन और बायोलॉजिकल एक्शन एंड आल्सो फॉर द एलिमिनेशन. बट जो आपका प्रोटीन बाउंडेड ड्रग है वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोरेज के काम करता है, वो आपकी एलिमिनेशन नहीं होता, साथ साथ वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है. जैसे ही वो आपका जो फ्री ड्रग है वो अपना काम करके ख़त्म करता है, वो जैसे वो थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, और एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद जब वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी के बाहर से तभी वो रिवर्सिबली जो है आपका प्रोटीन बाउंडेड ड्रग है वो फर्दर उसी रेशियो में फ्री ड्रग में कन्वर्ट होता है. जैसे कि बात करें इस केस पे तो 90% अगर प्रोटीन बाइंडिंग है किसी भी ड्रग का तो पहले अगर 10% जो है, मतलब एक मॉलिक्यूल, ये बात करें 10 mg ड्रग, 100 mg में 10 mg ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा और 90 mg ड्रग जो है प्रोटीन बाइंडेड रहेगा. तो जैसे जो 10 mg ड्रग है जो फ्री ड्रग है वो जैसे अपना एक्शन जो है बायोलॉजिकल एक्शन खत्म करने के बाद जब एलिमिनेट होता है तो जो 90 mg ड्रग है उसमें से जो 90% ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग रहेगा और उसमें से 10% ड्रग फ्री ड्रग में कन्वर्ट हो सकते हैं. मींस जो 90 mg ड्रग जो प्रोटीन बाइंडिंग है उससे वो 90%, मतलब 9 mg ड्रग दोबारा फ्री ड्रग बनेंगे और 81% या 81 mg जो ड्रग हैं वो प्रोटीन बाइंडेड रहेगा। तो इस तरीके से वो काम करता है रिवर्सली। तो बेसिकली प्रोटीन बाइंडेड ड्रग अनअवेलेबल फॉर द एलिमिनेशन एंड बायोलॉजिकल एक्शन एंड इट प्रोवाइड द बेसिक टेम्पररी स्टोरेज फॉर द फर्दर एक्शन। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज एसिडिक ड्रग आर मेनली bind with A albumin, B glycoproteins, C lipoproteins and D globulin. So right answer is the A albumin. तो बात करें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स आर मेनली 4 टाइप। फर्स्ट इज द एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज द अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड इज द लिपोप्रोटीन एंड फोर्थ इज द ग्लोबुलिन्स। तो बेसिकली इन एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग आर बाइंड्स लाइक सैलिसिलेट, विटामिन सी, सल्फोनामाइड्स एंड बार्बिट्रेट्स, पेनिसिलिन्स। और बात करें हम अल्फा एसिड ग्लाइकेट प्रोटीन की, तो मेनली बेसिक ड्रग उस पर बाइंड होते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल, लोकोनेसेटिक्स एंड ट्राइसाइक्लिक एंड डिप्रेसेंट। और बात करें हम लिपोप्रोटीन्स की, तो बेसिकली इसमें एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक ड्रग तीनों तरीके से बाइंड हो सकते हैं। लेकिन बात करें हम एसिडिक ड्रग की तो केवल डिक्लोफेनाक, न्यूट्रल की तो साइक्लोस्पोरिन ए और बेसिक ड्रग की तो क्लोरप्रोमाजीन आर बाइंड्स विद द लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स मीन्स आपका जो एलडीएल है या एचडीएल है वो सब लिपोप्रोटीन्स हैं। बात करें ग्लोबुलिन्स की, तो ग्लोबुलिन्स आर द मेनली 5 टाइप, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा ग्लोबुलिन। तो बेसिकली अल्फा 1 जो है उसको हम ट्रांसकॉर्टिन भी बोलते हैं, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या थायरोक्सिन या साइनोकोबालामिन इससे बाइंड होता है। और विटामिन ए डी ए के मीन्स फैट सोलर विटामिन बेसिकली बाइंड्स विद द अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स एंड फेरस आयन मेनली बाइंड्स विद द ट्रांसफेरिन मीन्स बीटा 1 ग्लोबुलिन्स एंड कैरोटिनॉइड मेनली बाइंड्स विद द बीटा 2 ग्लोबुलिन्स एंड वेरियस एंटीजेंस बाइंड्स विद द गामा ग्लोबुलिन। Now come to the next question. So question 5 is the redistribution occurs when first A drug has higher water solubility, drug has low volume of distribution, drug has high oil and water partition coefficient and drug has high protein binding. So right answer is the C. Drug has high oil and water partition coefficient means highly lipophilic drug are the redistributed in the body. So basically what is the redistribution? So basically some drugs, especially general anesthetics, which are highly lipophilic drug and they initially first distributed in the well perfused organ like CNS. Later it distributed occurs the less perfusion organ like muscles एंड देन एडिपोस टिश्यू। तो बेसिकली जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग है जैसे कि जनरल एस्थेटिक्स है, वो पहले आपके जो हाईली परफ्यूजन वाले ऑर्गन्स हैं, सीनेस हैं, उसमें पहले जाके एक्टिवेट होगा, फिर वो दोबारा आके जो लो परफ्यूजन वाले ऑर्गन्स हैं जैसे कि मसल्स हैं उस पर होता है, फिर लास्ट में जो एडिपोस टिश्यू हैं जिस पर जो ब्लड परफ्यूजन रेट है बहुत ही कम होता है उस पर जाके अपना बाइंड होता है। क्योंकि जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग है वो बेसिकली आपके फेट से अधिक उसका जो एफिनिटी है वो हाई होता है, इसलिए वो लास्ट में आपके एडिपोस टिश्यू में जाके बाइंड होता है और उस वहाँ पे स्टोर होता है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 6 इज द इफ द 6000 mg of drug given via IV route to the patient and his plasma drug concentration is 0.2 mg per ml, then volume of distribution is A 0.03 liter, B 30 liter, C 30,000 liter and D 300 liter. So try to solve. So basically इसका आंसर है 0.03 liter, बट कैसे? So basically we know that the volume or distribution is equal to X means amount of the drug or weight of the drug which present on the blood upon प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन mg पर लीटर। तो आपका जो x है वो mg में होगा और आपका प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो mg पर लीटर में होगा, तो उस हिसाब से हमको जो यूनिट है वो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इस केस पे। तो हियर x इज इक्वल टू 6000 μg मीन्स 6 mg एंड pc इज इक्वल टू 0.2 mg पर लीटर मीन्स अराउंड 200 mg पर 0.2 mg पर एम एल मीन्स अराउंड 200 mg पर लीटर। बेसिकली आपको 1 ml में 0.2 mg है तो जाहिर सी बात है 1 लीटर में वो 200 mg आंसर इसका आएगा। तो बेसिकली व्हाट इज आंसर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 6/ 200 means 0.03 liter is the answer of this question. Now come to the next question. Question number 7. If the required therapeutic plasma concentration of a drug is 5 mg per liter and the volume of distribution of this drug is 10 liter, then what should be the loading dose? मीन्स अगर किसी भी ड्रग का जो वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 लीटर है और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्शन के लिए थेरेपेटिक एक्टिविटी होने के लिए उसके ब्लड में 5 mg पर लीटर होना चाहिए, तो लोडिंग डोज क्या होगा, हम किस अमाउंट पे ड्रग हम उसको लोडिंग दें या फिर आईवी रूट से एडमिशन करें. तो व्हाट इज द आंसर? सेम फार्मूला, आंसर इज द बी 50 mg. सो हाउ? सो बेसिकली वी डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी सी, वी नो दैट, एंड एक्स इज इक्वल टू VD into PC. So here VD is equal to 10 liter and PC is equal to 5 mg per liter. Then X is equal to 10 into 5 means 50 mg. So 50 mg is the loading dose. ठीक है, तो with the help of volume or distribution we can calculate the loading dose of a drug to achieve therapeutic plasma concentration. तो हम वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किसी भी ड्रग का लोडिंग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हम उसको डिजायर्ड थेरेपेटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन के हिसाब से डोज दे सकें. Now come to the question number 8. So question number 8 is the what is the wrong about volume of distribution? A. Volume of distribution of a drug helps to calculate the loading dose. High volume of distribution causes the tissue accumulation, and low volume of distribution means drug has higher affinity to the plasma proteins. And D. None. तो इसमें से कौन सा गलत है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में? सो राइट आंसर इज द नन, मतलब सारे सही हैं. सो बेसिकली मीन्स ऑल सेंटेंस आर द करेक्टेड फॉर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं थोड़ा डिटेल में. तो बात करें कुछ केस की, तो सपोज किसी भी ड्रग का आईवी डोज हम दे रहे हैं, अगर हम उसको 10 mg आईवी डोज दे रहे हैं मीन्स 10 mg आपके ब्लड में होगा. ठीक है, तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो एक तरीके से 2.5 लीटर होगा, और अगर उसका जो टोटल बॉडी वॉल्यूम है या फिर बात करें टिश्यू वॉल्यूम है वो 7.5 लीटर है अगर किसी बॉडी के अंदर में. तो कैलकुलेट करेंगे हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को अलग टाइम फ्रेम पर. तो अगर एट टाइम जीरो टाइम पर क्या होगा, सारे ड्रग हैं मीन्स 100% ड्रग आर प्रेजेंट ऑन द ब्लड. Then what is the VD? And in this case, plasma concentration is equal to 10 mg upon 2.5 liter. क्योंकि इस केस में जो आपका 100% ड्रग है वो आपके ब्लड में है मीन्स 10 mg ब्लड में है, ये फिक्स है. लेकिन साथ साथ जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं, तो उसमें सारे ब्लड में है मीन्स 2.5 लीटर होगा मीन्स 4 mg पर लीटर. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 10/4 means 2.5 liter is the volume of distribution if all the drug are present in the blood. And at a time t means if 25% drug are present on the blood means बाकी जो ड्रग हैं मतलब 10 mg में 7.5 mg ड्रग है वो आपके टिश्यू में एक्यूमुलेट हो चुका है और केवल 2.5 mg ड्रग ही आपके ब्लड में है. तो व्हाट इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2.5/2.5, तो क्या होगा आपका 1 mg पर लीटर. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो 10/1 मीन्स 10 लीटर. तो 10 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ ओनली 25% ड्रग आर प्रेजेंट ऑन द ब्लड. सो मेन कॉन्सेप्ट इज द हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मोर देन 20 लीटर मीन्स द टिश्यू एक्यूमुलेशन एंड कॉज द टॉक्सिटी मीन्स हाईली लिपोफिलिक soluble drug can possess the high volume of distribution. and किसी भी ड्रग का अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है मीन्स लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर 10 लीटर से कम है, तो ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द ड्रग आर प्रेजेंट ऑन द ब्लड, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई होगा और वो टिश्यू पे कम होगा. इसका मतलब जो टिश्यू पे एक्यूमुलेशन भी कम होगा और टिश्यू पे टॉक्सिक इफेक्ट भी कम होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट अपना शो करेगा. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो if you like my videos, please subscribe my channel, and thank you for watching my channel and videos, and keep watching and keep sharing. So, and last, thank you.